गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 11, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना। डाटा हैंडलिंग क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को नंबर्स में कलेक्ट करना डाटा कहलाता है। डाटा कैन बी एक्सप्रेस इन अ नंबर ऑफ वेज। हम डाटा को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन वर्ड्स, पिक्चर, सिम्बल्स, टैलीज एक्सेट्रा। हम डाटा को वर्ड्स, पिक्चर्स, सिम्बल्स और टैलीज में रिप्रेजेंटेड करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स एंड यूजिंग टैलिंग मार्क्स। हम इस चैप्टर में डाटा को पिक्चर्स और टैलीज में रिप्रेजेंट करते हैं, करना सीखेंगे। ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाई यूजिंग पिक्चर ऑफ सिंबल इज कॉल्ड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन डाटा। देखिये, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे ये हमने ये स्माइल्स दिए हुए ना, इनको यूज करके हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। देखिये, ये ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं कि इसमें लिखा है इन्फॉर्मेशन गिवेन बिलो इज अबाउट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज टेकन बाई द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। क्लास थर्ड के बच्चों ने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने बच्चों ने पार्ट लिया है? 40 बच्चों ने। डांस में 70 स्टूडेंट्स ने। आर्ट में 60 स्टूडेंट्स ने। सिंगिंग में 80 स्टूडेंट्स ने। स्विमिंग में 50 स्टूडेंट्स ने। तो देखिए, हम इसमें इस चार्ट में उन्होंने कैसे बताया है पिक्टोग्राफ में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 40 बच्चे हैं ना, तो देखिए इन्होंने ये देखिए बताया, वन पिक्टोग्राफ इक्वल टू स्टैंड फॉर 10 स्टूडेंट्स। मतलब एक स्माइली जो है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो ये 4 स्टूडेंट्स हो गए ना, 4 स्माइली है, तो 10, 20, 30, 40। डांस में कितने हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 × 10, 70 हो गए। आर्ट के 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 × 10, 60 हो गए। सिंगिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 × 10, 80 हो गए। स्विमिंग में 1, 2, 3, 4, 5। 5 × 10, 50 हो गए। इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया ना। अब देखिए इसमें रीडिंग में भी, रीडिंग ऑफ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। द पिक्टोग्राफ शोज द टोटल कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ क्लास लाइब्रेरी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है और इसमें कि वन बुक जो है ये 15 बुक्स के बराबर है। ये वन पिक्टोग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 × 15 कितना होगा? इक्वल टू 105। सी हिंदी में 1, 2, 3, 4, तो 4 × 15 कितना हो जाएगा? 60। मैथ्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6। 15, 6 × 15 हो गया, कितना हो जाएगा? 19। साइंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो कितना हो गया? 9 × 15 इक्वल टू 135। सोशल साइंस है 1, 2, 3 तो 3 × 15, 45। यस, इस तरह से हो जाएगा ना। हम एक्सरसाइज करते हैं। ड्रॉ द पिक्टोग्राफ फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग अ वीक। देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम ऐसे चार्ट बनाएंगे। देखिए, एक साइड डेज और एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे बनाएंगे। फिर इसमें दिया हुआ है वन ट्राइंगल इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। वन ट्राइंगल इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स और वन सर्कल इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसमें मरने में 24 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे? 24 × 4। हम 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 6 आ जाएगा ना, तो 6 ट्राइंगल हम बना देंगे यहाँ पर।
सिक्स ट्राइंगल हो गए ना। अब ट्यूसडे में 30 है ना, तो हम क्या करेंगे 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 7 28 और 2 बच रहा है तो 2 रिमाइंडर, तो 1 सर्कल बना देंगे हम, तो 7 ट्राइंगल वन सर्कल, कि टू स्टूडेंट्स इक्वल टू वन सर्कल इक्वल टू टू स्टूडेंट्स है ना, तो 4 7 28 और 2 30। अब वेडनेसडे को 28 स्टूडेंट्स, तो 28 डिवाइडेड बाय 4 4 7 28, इसमें भी 7 ट्राइंगल बन जाएंगे। सिक्स एंड सेवन, थर्सडे को 22, तो 22 डिवाइडेड बाई 4 4 5 20, 2 रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर में वो 1 सर्कल बन जाएगा, तो 5 ट्राइंगल एंड 1 सर्कल, 4 5 20 और 2 22। अब फ्राइडे में 26 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 4 4 4 6 24 और 2 बच रहा है ना, फिर 2 रिमाइंडर हो गया ये, तो 1 सर्कल बन जाएगा इसमें भी, 6 ट्राइंगल और 1 सर्कल। सैटरडे में 20 स्टूडेंट्स, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 5 20, तो 5 ट्राइंगल ओके। अब आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है ओके। अब आप ये अपनी कॉपी में करेंगे और समझेंगे, ना समझ में आए मुझसे पूछेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करूंगी ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।